वन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है उसको आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड जो रिलेवेंट रहती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालने के लिए रहती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आर रिलेवेंट ओनली फॉर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए। तो डायरेक्ट मेथड में आपको दो आइटम निकालने रहते हैं, एक कैश कलेक्शंस फ्रॉम द कस्टमर और कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज। तो ये दो स्टेटमेंट निकालने हैं आपको, बनाने हैं आपको। कैश कलेक्शंस में से कैश पेड टू सप्लायर्स एम्प्लॉइज डिडक्ट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और इस कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से जस्ट टैक्स पेड डिडक्ट कर दीजिए तो यू विल गेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट। कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर बहुत ही सिंपल है। सेल्स में से आपको सेल्स में ओपनिंग डेटर्स ऐड कर दो और क्लोजिंग डेटर्स लेस करना है। इसका फॉर्मूला जो याद रखने के लिए आपको बनाना है, सेल्स प्लस ओडी, सेल्स प्लस ओडी आप लिख लीजिए। इसका मतलब सेल्स में ऐड करना है ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग डेटर्स ऐड करना है इसका मतलब क्लोजिंग लेस करना है एंड यू विल गेट द कैश कलेक्शंस फ्रॉम द कस्टमर। दूसरी जो स्टेटमेंट आपको बनानी है, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय। इसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लिया, इसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिए और सैलरी और वेजेस ऐड कर दीजिए। रिमेंबर डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, उसको आपको ऐड नहीं करना है। और इसके अलावा बाकी के जो आइटम्स हैं जो नॉन ऑपरेटिंग हो या फिर नॉन कैश हो उसको यहां पर नहीं लेना है। तो नॉर्मली आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया रहेगा, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है वो ऐड करना है और सैलरी एंड वेजेस ये ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट करने रहेंगे और वो एडजस्टमेंट के लिए आपको फिर से एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला है OCL, एड OCL। इसका मतलब कैश पेड टू सप्लायर एम्प्लॉयज के लिए आपको एड OCL याद रखा तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा। OCL का मतलब है ओपनिंग करंट लायबिलिटीज आपको ऐड करनी है। अगर ओपनिंग करंट लायबिलिटीज ऐड करनी है इसका मतलब क्लोजिंग करंट लायबिलिटीज डिडक्ट करनी है, ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो। और ओपनिंग करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स टोटली डिफरेंट नेचर के होते हैं, ऑपोजिट। तो ओपनिंग करंट लायबिलिटीज अगर आपको ऐड करनी है तो ओपनिंग करंट एसेट्स आपको डिडक्ट करनी है, ये इजीली यू कैन मेक इट। और ओपनिंग करंट एसेट्स आपको लेस करनी है तो क्लोजिंग करंट एसेट्स आपको ऐड करनी है। तो एक ही फॉर्मूले से आप ये पूरा स्टेटमेंट यहां तक बना सकते हैं। और फॉर्मूला है OCL, ओपनिंग करंट लायबिलिटीज ऐड करनी है। नाउ लेट्स सी, ओपनिंग करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आपको दो दे रखी है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों ही ओपनिंग बैलेंसेस इसके आपको ऐड करने हैं। सिमिलरली क्लोजिंग करंट एसेट्स आपको ऐड करनी है। करंट एसेट्स में आपको स्टॉक दे रखा है और एडवांसेस। रिमेंबर डेटर्स जो करंट एसेट है वो यहां पर नहीं लेनी है आपको। डेटर्स का जो बैलेंसेस जाएगा वो कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स निकालने में जाएगा। बाकी की जो तो करंट एसेट्स हैं, स्टॉक और एडवांसेस, वो यहां पर आ जाएंगे। इसी तरह से लेस करना है ओपनिंग करंट असेट्स के जो बैलेंसेस हैं, स्टॉक और एडवांसेस के, वो लेस करना है और क्लोजिंग करंट लायबिलिटीज के बैलेंसेस लेस। यू विल गेट कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय 21,15,200। नाउ फाइनली यू कैन प्रोसीड टू प्रिपेयर द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स आ रहा है आपका 25,02,000। इसमें से कैश पेड टू सप्लायर्स एम्प्लॉय डिडक्ट कर दो, 21,15,200 ये आ रहा है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस और इसमें से इनकम टैक्स पेड, ये हमने टैक्स पेबल अकाउंट बनाया था उसमें आपको दे रख बैलेंसिंग फिगर आया था, टैक्स पेड 86,800 ये डिडक्ट कर दो तो यू विल गेट 3 लाख एज द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।